बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जुरस्टाली ऐप के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस ऐप के जरिए लोगों को कानूनी कार्रवाई करने में अब काफी सहायता मिलेगी। एक केस को लड़ने में लोगों को सालों लग जाते थे और उनके पैसे भी खर्च होते थे। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे की सहायता नहीं है और उसे केस लड़ना है तो ये ऐप उसकी मदद कर सकती है। साथ ही ये ऐप लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्राओं की भी मदद करती है। लॉ की किताबों से लेकर इंटर्नशिप की सुविधा उन्हें मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस ऐप को खुले अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 3 महीनों में इसके 800 यूजर्स हो गए हैं और इस ऐप को वे और भी आगे बढ़ाएंगे ताकि और भी लोगों को इस ऐप के जरिए सुविधा मिल सके। इस ऐप के फाउंडर ने कहा कि यह ऐप लोगों की कानूनी मदद करने के लिए ही लाया गया है। खेतान सर का आशीर्वाद है कि उन्होंने जुरिस्टैली पे भरोसा रखा और कुछ करने का मुझे एक मौका दिया। जुरिस्टैली अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉयर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं उन सबको लीगल से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिलती हैं। जुरिस्टैली सिर्फ सर्विस के लिए नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जो ये दुनिया का सबसे पहला इकोसिस्टम बिल्ड करने वाला है ऐप, जो कि दुनिया में यूजर्स और लॉयर्स प्रोफेशनल्स को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। हमारी इस मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे जितने भी नौजवान अधिवक्ता हैं उनको ड्राफ्टिंग एक सबसे बड़ा इशू होता है कि वो ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो 4 दिन एक ड्राफ्टिंग को लगता है उस ड्राफ्टिंग को सिर्फ 10 से 15 मिनट में किया जा सकता है विथ और जजमेंट के रेफरेंस के साथ। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यूज़र्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली इससे हमारे जुरिस्टैली ऐप से प्रभावित हुए हैं, उनको यूज़ किया है और उनकी ज़िंदगी में हमने कुछ नया बदलाव लेके आया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूज़र्स हैं वो अपने अपने जो किस तरीके से वो जुरिस्टैली ऐप पे आएँ और उनको किस तरीके का फ़ायदा हुआ वो अपने मुँह से खुद बोले, तब आपको पता चलेगा कि जुरिस्टैली एक्चुअली कर क्या रहा है। ये एक संभावना प्रकट कर रहा है, ये हमारे देश को नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत लोग को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। जब तक देश के अधिकार लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम एक मजबूत भारत कभी नहीं बन पाएंगे। तो मेरा ये मुहिम इस भारत को मजबूत बनाना है, लोगों को बताना है कि आखिर उनकी अधिकार होते क्या हैं। मैं चाहूँगा कि वो यूज़र्स जो हैं आके बताएँ कि उनको किस तरीके से इनसे बेनिफिट मिला है।